माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश या भ्रष्टाचार मुक्त हो, इस दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने लगातार महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गुंडे, अपराधी और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के संबंध में भी सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। किसानों की कर्ज माफी हो, चाहे गेहूं की खरीद हो, चाहे गन्ना किसानों का भुगतान हो, चाहे बिजली की उपलब्धता हो, सभी क्षेत्रों में सरकार के द्वारा उठाए गए कदम का नीचे तक प्रभाव पड़ रहा है। आज दिल्ली के अंदर जो नगर निगम के चुनाव थे, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त सफलता, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के प्रति विश्वास का एक परिणाम है। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक विजय, इसका बहुत बड़ा परिणाम प्रदेश के विकास की दृष्टि से भी, देश की राजनीति की दृष्टि से भी हो रहा है। हम यह कह सकते हैं कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश देश का नंबर एक प्रदेश बनेगा और भारत दुनिया का नंबर एक देश बनेगा। हमारी सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, जिसकी आपको पहले भी जानकारी है, चाहे एंटी रोमियो दल के माध्यम से महिलाओं के प्रति अपराध रोकने की दृष्टि से आवश्यक कार्रवाई करने का विषय रहा हो, और चाहे भू माफियाओं के खिलाफ कल एक बड़ा फैसला कैबिनेट के द्वारा लिया गया है कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर जिन भू माफियाओं ने सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा किया है, उन सब को चिन्हित करके उस पर भी कदम उठाने का फैसला हुआ है। सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, जैसे लोक निर्माण विभाग सहित सभी लगभग विभागों में ई टेंडरिंग की व्यवस्था लागू की गई, गुंडे, अपराधी, माफिया इस सिस्टम से बाहर हो जाएं, इसके संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिए गए। अध्यक्ष इस नाते भी मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत संगठन है, जिसके बल पर 2017 के चुनाव में हमने 2014 की स्थिति को दोहराने में सफलता प्राप्त की है, और 2019 में भारतीय जनता पार्टी फिर से ऐतिहासिक विजय प्राप्त करके आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में फिर से सरकार बनाई। आपका कोई सवाल हो ऐसा है, ये जानकारी मेरे संज्ञान में विषय पहले भी था, जब मैं लखनऊ चला हूं तब भी विषय था। अधिकारियों को इसमें निर्देश दिए गए हैं कि जो गलत तरीके से कोई मुकदमे लिखे गए हैं उनकी जांच करके जो निष्पक्षता पूर्वक कार्रवाई हो सकती वो करेंगे, जो दोषी पुलिस के अधिकारी होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई जो आवश्यक है जांच करके उस पर भी कार्रवाई करेंगे। किसी भी परिस्थिति में अनावश्यक रूप से किसी ना तो कार्यकर्ता का उत्पीड़न होने दिया जाएगा और न ही पुलिस का मनोबल टूटने दिया जाएगा। दोनों के बीच में सामंजस्य बनाए रखते हुए हमारी सरकार का यह प्रयास है कि यह जो घटना घटी वो दुर्भाग्यपूर्ण थी और जो उसमें दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दे दिए। अखिलेश यादव जी को मैंने पहले भी बहुत पहले कहा है कि उनको जनता ने नकार दिया है, कुछ दिन विश्राम करें। बहुत जल्दी जल्दी जो प्रतिक्रिया देने का वो काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जनता उनकी प्रतिक्रिया को सुनना नहीं चाहती है, और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और कहीं से भी कोई इस प्रकार से घटनाक्रम कोई घटित हो रहा है एक दो, तो उसको जिन कारणों से हवा देने का प्रयास किया जा रहा है उस पर हम अंकुश लगा लेंगे। ऐसा है, तबादला कब करना, किसका करना, इसका सरकार का ये विषय होता है। सरकार फैसला लेगी जब उसके लिए जहां आवश्यक होगा, लेकिन कहीं पर भी अगर ऐसी कोई शिकायत संबंधित किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कुछ आएगी तो उसको भी हम अलग से देखेंगे।